सिद्धपीठ श्री झूला देवी मंदिर का इतिहास। आज से लगभग 700 वर्ष पूर्व चौबटिया एक घना जंगल था तथा जंगली जानवरों से भरा हुआ था। शेर तथा चीते यहाँ बसने वाली जनता पर आक्रमण करते तथा उनके पशुओं को अपना आहार बनाते। इन आक्रमणों एवं पशु क्षति से परेशान होकर सभी ग्रामवासियों ने देवी माँ दुर्गा की उपासना प्रारंभ करी। यह कहा जाता है कि माँ ने प्रसन्न होकर ग्राम पिलखोली के एक व्यक्ति को स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तुम इस विशेष स्थान पर खुदाई करो तो तुम्हें मेरी एक प्रतिमा प्राप्त होगी। उस स्थान पर मेरे मंदिर की स्थापना करने से तुम्हें इस समस्या का समाधान मिल जाएगा। गांव वालों ने एकत्रित होकर खुदाई प्रारंभ की। खुदाई में माँ की मूर्ति प्राप्त हुई। उसके बाद नियमित रूप से माँ की वंदना होने लगी। उस दिन के पश्चात जंगली जानवरों का आतंक मानो थम सा गया और ग्रामवासी अपने पशुओं के साथ बिना संकट के घूमने लगे। सावन का महीना था। सभी बच्चे माँ के प्रांगण में झूला डाल के झूला खेलने लगे। फिर माँ ने पुनः स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि मेरे प्रांगण में बच्चे झूला झूलते हैं, मुझे भी झूलने की इच्छा है, मेरे लिए भी झूला डालो। ग्रामवासियों ने माँ की प्रतिमा को झूले में रख दिया और तभी से मंदिर का नाम झूला देवी विख्यात हो गया। तभी से यहाँ यह मान्यता प्रारंभ हुई कि यहाँ की जाने वाली सभी मुरादें मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं तथा इन मान्यताओं के प्रतीक ये अनगिनत घंटियाँ हैं। जय माँ।